हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की वेव इक्वेशन की प्रॉब्लम है जो आपके पास दिसंबर 2023 एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है उसमें आया हुआ है। आपके पास इनफाइनाइट लेंथ की वेव इक्वेशन गिवन है विद इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो आप जब इनफाइनाइट लेंथ की वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आप डीएलएमबर्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो डीएलएमबर्ट सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है, यू ऑफ एक्स कॉमा टी इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 c इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी से लेके एक्स प्लस सी ऑफ टी जी ऑफ एस इंटू डी एस। ये होता है आपके पास इनफाइनाइट लेंथ की जब आप वेव इक्वेशन को होमोजीनियस वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो आपके पास ये डीएलएमबर्ट सॉल्यूशन होता है। यहाँ एक्स की वैल्यू आपके पास सी की वैल्यू सॉरी क्या है 2, तो सी आपके पास क्या मिलेगा 2t और c की वैल्यू आपके पास यहाँ पिक कर देंगे तो ये आपके पास 2, 4 और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 2t से लेके x प्लस 2t। बट आपके पास जो सॉल्यूशन पूछा हुआ है उन्होंने u ऑफ 5, t एज अ t टेंड्स टू इन्फिनिटी पूछा हुआ है, तो आपके पास x की वैल्यू उन्होंने 5 फिक्स कर दिया है। तो आप कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप x की जगह 5 पिक कर लीजिए। तो यहाँ से जब मैं x की जगह 5 पिक करूंगा तो आपके पास u ऑफ 5, t क्या मिलेगा 1/2 f ऑफ x प्लस 5t सॉरी 5 प्लस 2t प्लस 5 माइनस 2t प्लस 1/4 5 माइनस 2t से लेके आपके पास जो वैल्यू होगी 5 प्लस 2t g ऑफ s के आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपके पास x इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स यूज करेंगे यहां से। तो अब आप यहां से देख सकते हैं 5 प्लस 2t की जो वैल्यू है, t हमेशा आपके पास ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू आपके पास हमेशा क्या रहेगी नॉन जीरो रहेगी। तो जब आपके पास x की वैल्यू जो भी इनपुट यूज कर रहे हैं अगर वो नॉन जीरो है तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है e की पावर माइनस 1/x2। तो जब यहां मैं यूज करूंगा तो वो क्या यूज करूंगा e की पावर माइनस 1/5 प्लस 2t का होल स्क्वायर प्लस। अब ये वैल्यू आपके पास जो होगी 5 माइनस 2t वो होगी आपके पास लेस देन 5, तो ये वैल्यू जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी होगी आपके पास लेस देन, यानी कि 5 आपके पास ये वैल्यू जीरो भी हो सकती है। तो अगर ये वैल्यू जीरो होगी तो आपके पास जीरो मिलेगा तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके पास सॉल्यूशन पर। अगर ये वैल्यू नॉन जीरो होगी तो आपके पास क्या यूज करना होगा e की पावर माइनस 1/5 माइनस 2t का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर ये वैल्यू आपके पास जीरो हुई तो आपके पास गिवन वैल्यू क्या है जीरो, तो इसी का तो रोल प्ले रहेगा। तो उसमें आप वैसे भी वेरीफाई कर सकते हो एज अ टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्वांटिटी जा रही है जीरो पे, तो अगर ये क्वांटिटी नॉन जीरो हुई तो आपके पास ये पार्ट ऐड हो जाएगा प्लस 1/4। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 और ये हो जाएगा 2x। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा आपके पास -1/8 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट यूज करेंगे तो e की पावर माइनस 5 प्लस 2t का होल स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट यूज करेंगे तो -5 माइनस 2t का होल स्क्वायर, ये मिलेगा आपके पास। तो अब आप जब बोथ साइड लिमिट लेंगे एज ए टी टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो टी टेंस टू इन्फिनिटी पे ये e की पावर माइनस 1/∞ यानी कि जीरो की ओर टेंड करेगा, तो ये क्या मिलेगा e की पावर 0 1 प्लस 1। ये क्वांटिटी एज ए टी टेंस टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एज ए एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ अप्रोच करता है जीरो पे, तो ये क्वांटिटी आपके पास जीरो पे अप्रोच करेगी, ये भी जीरो पे अप्रोच करेगी, तो ये ओवरऑल जो लास्ट वाला टर्म है आपके पास जीरो होगा, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो वन आएगा। ध्यान रखिए यहाँ आपके पास मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में, आप इसको e की पावर यानी कि एज ए टी टेंस टू इन्फिनिटी पे जीरो की तरफ टेंड नहीं करेंगे, ये आपके पास e की पावर माइनस 1/t है, तो एज ए टी टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्वांटिटी आपके पास जीरो की ओर टेंड करेगी, तो e की पावर जीरो क्या मिलेगा आपके पास 1, तो ये आपके पास 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट दैट इज 1, तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी 1। तो आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन ट्रू होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।